मेरा नाम अतुल गुप्ता और ये है हवा भरने वाला पंप और इसको मैंने बनाया है भाई पीवीसी पाइप से और किस तरीके से बनाया है वीडियो के अंदर तो आप लोग देख ही लोगे। तो वीडियो भाई काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को कंप्लीट तक देखते रहिए। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग ले लेंगे पीवीसी का पाइप, क्योंकि यार हम लोग लोहे का पाइप में तो बनाएंगे नहीं। अगर लोहे के पाइप में बनाना होता तो भाई हम खरीद नहीं लेते, सस्ता जुगाड़ दोस्तों, सस्ता जुगाड़ बनाना है तो भाई पीवीसी का पाइप में बनाना पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हो मैंने 2 इंच का पीवीसी का पाइप ले लिया है और भाई ये काफ़ी मोटा तगड़ा पाइप है और इसके जो लंबाई है वो मैंने करीब 1.5 फुट ले लिया है, मतलब 18 इंच इसकी पूरी लंबाई है और जो चौड़ाई है मतलब इसका जो डायमीटर है वो 2 इंच है। इसके बाद दोस्तों अब हम बनाएंगे इस पाइप का कैप, मतलब इनलेट आउटलेट, तो आप लोग समझ ही सकते हो भाई खरीदने जाएंगे तो भाई झूठ मूठ का ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ जाएगा और हम तो भाई जुगाड़ू हैं, जुगाड़ से भाई इनलेट आउटलेट बना देंगे। तो आप लोग देख सकते हो हमने एक पीवीसी का पाइप नीचे रखा है, उसके ऊपर भाई एक निशान लगा लिया है, तो वो जो निशान बना है वो गोल बना है, चाकोर नहीं बना है। और अब हम इस गोल निशान को काट लेंगे और निकाल लेंगे और बन जाएगा हमारा भाई कैप, इनलेट और आउटलेट जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। तो मस्त तरीका है ना दोस्तों, एकदम जुगाड़ है, आप लोग भी देखो ऐसे ही बनाना है, एकदम सस्ता में काम फरिया जाएगा। खरीदने जाओगे तो अगर एक इनलेट और आउटलेट ये खरीदने जाते हो तो भाई एक 30 या 40-50 रुपए का मिलता है, तो सोच लो यार उतने में तो आप लोग कई सारा पाइप खरीद लोगे। इसीलिए कहता हूँ भाई फिजूल का खर्ची मत किया करो, हमारा वीडियो देखा करो और इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दिया करो। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो हमने जुगाड़ू कैप बनाया था उसको भाई चिपका लेते हैं अपने इस पाइप के ऊपर, और चिपकाने के लिए हम लोग सुपर ग्लू का यूज करेंगे, क्योंकि ये जो पीवीसी पाइप है और ये जो सुपर ग्लू है इन दोनों का जोड़ भाई अद्भुत है, एक बार चिपका के देखना भाई छोड़ता नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोगों को अपने इस पीवीसी पाइप के ऊपर 2 होल करना है, तो दोनों होल को भाई नीचे की ओर करना है और आमने सामने करना है। तो सबसे पहले तो निशान उशान लगा लेते हैं और जब निशान उशान लग जाएगा उसके बाद अपना ड्रिल मशीन आ ही जाएगा भाई मुंह उठा के। भाई देख लिया करो यार इसका भी वीडियो हर बार आ जाता है दूसरे के वीडियो में। अरे भाई दूसरे का वीडियो मतलब दूसरे प्रोजेक्ट में, आप लोग समझदार हो यार, समझ लिया करो। और आप लोग देख सकते हो होल होल हो चुका है, मस्त एकदम होल किया यार इसने। तो अभी अब हम लोग इसके ऊपर एक चीज लगाना है भाई, तो ये है वो चीज जिसके लिए मुझे हिमालय जाकर भाई तपस्या करना पड़ा था, तब पता चला कि ये भाई साइकिल के पंचर वाले की यहाँ मिलता है। मजाक है भाई, सीरियसली मत लेना, अभी हमारी उम्र नहीं है हिमालय जाके तपस्या करने की। तो ये है साइकिल का वाल और ये मिलता है 5 रुपए का, और 5 रुपए खर्च करने के लिए हमें जाना पड़ता है पंचर वाले के पास। रैमिंग दोस्तों मिल नहीं रहा था लेकिन सुन के भाई मजा आया कि नहीं, मजा आया ना। और फ्रेंड्स इस वाल को चिपकाने के लिए हम लोग सुपर ग्लू का ही यूज करेंगे और एकदम मस्त तरीके से यार चिपका देंगे, कहीं से भी हवा वाल लीक नहीं करेगा इसकी गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि यार मैंने चिपकाऊ का यूज किया है, मुझे मालूम है ये कैसा वर्क करता है। तो आप लोग भी भाई सुपर ग्लू से मस्त चिपका सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिंदास एकदम काम करेगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक जरूरत पड़ेगी इसकी, तो भाई ये पुराना जो पंप होता है चाइनीज पंप उसमें से मैंने इसे निकाला है, पुराने में से भाई, नया में से नहीं, खराब और अब था उसमें से मैंने निकाला है, नया में से नहीं। आप लोग चाहो तो फ्रेंड्स ये जो पाइप होता है वो नया भी खरीद सकते हो, मार्केट में मिलता है 20 रुपए का मिल जाता है यार, आप लोग खरीद लो आराम मस्त लगा देना काम हो जाएगा। अब मेरे पास है तो मैं इसका यूज कर रहा हूँ, नहीं होता तो भाई मैं भी खरीद के लगाता। तो चलिए इस पाइप को भी हम लोग चिपका लेते हैं अपने इस पीवीसी पाइप के ऊपर और इसको भी एकदम सुपर ग्लू से मस्त चिपका देंगे। इसके बाद हम लोग 1 इंच वाला पीवीसी का पाइप ले लेंगे ताकि ये जो हमारा बड़ा वाला पीवीसी का पाइप है जो 2 इंच वाला है उसके अंदर आसानी से भाई ये अंदर चला जाए ताकि हम लोग भाई इसका हैंडल बना सके। तो आप लोग देख सकते हो ये जो पाइप है वो एकदम अंदर तो चला गया है, तो अभी इसका जो हम लोग हैंडल है वो थोड़ा बड़ा ही लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग निशान लगा लेते हैं ताकि भाई हमें अंदाजा से ही काटना है, फिर भी हमें थोड़ा निशान उशान का पता रहे कि कहाँ से हमें काटना है। तो अब हम लोग अपना हेक्सा ब्लेड लेंगे और हेक्सा ब्लेड की मदद से आराम आराम से भाई काट वट लेंगे, और भाई जिस किसी को उंगली करने की आदत हो वो हेक्सा ब्लेड का यूज ना करे, नहीं तो उंगली खत्म। तो फ्रेंड्स हमने इस पतले वाले पीवीसी पाइप को तो काट दिया है और ये एकदम भाई मस्त एकदम फिटिंग वटिंग हो रहा है, आप लोग देख सकते हो थोड़ा सा बड़ा ही है और अंदाजा लगा सकते हो और कितना बड़ा है। तो इसके बाद फ्रेंड्स हमें 2 ठे गोल गोल चांद के टुकड़े चाहिए, तो हम लोग वही वाला जुगाड़ अपनाएंगे और इस पाइप का दोस्तों निशान लेकर एकदम मस्त अपना जो पीवीसी पाइप का जो सीट है उसके ऊपर 2 ठे प्यारे प्यारे चांद के टुकड़े बना देंगे और उन दोनों चांद के टुकड़ों को हम बड़े प्यार से काट के निकाल लेंगे। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमारे ये जो गोल गोल प्यारे प्यारे चांद के टुकड़े हैं वो भाई कट के बाहर आ चुके हैं और एकदम मस्त गोल एकदम शेप ले चुके हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग किसी एक जो पीस है गोल वाला उसको ले लेंगे और उसके ऊपर हम लोग ये जो पतला वाला जो पाइप है 1 इंच वाला उसको एकदम हम लोग सेंटर में रख कर उसके किनारे किनारे निशान लगा देंगे और उसको फ्रेंड्स हम लोग बीच से काट के भाई बाहर निकाल देंगे
और इसका यूज आप लोग समझ ही सकते हो कहाँ मैं करने वाला हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बस यार वीडियो में बने रहो, आप सबको सब कुछ समझ ही में आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको हम लोग किनारे से थोड़ा छोटा छोटा कर देंगे। तो उसके लिए हम लोग अपने हाथ से ही भाई निशान लगा देते हैं, क्योंकि हम भाई बहुत ही कलाकार आदमी हैं, मस्त गोल बना देंगे। तो चलिए अब इन दोनों को काट के निकाल लेते हैं, जहाँ जैसे हमने कहा था वैसे ही काटेंगे। तो आप लोग देख सकते हो ये जो किनारे किनारे वाला है ये तो आराम से भाई कैंची उची की मदद से कटा जाएगा, लेकिन भाई समस्या इसका नहीं है, ये तो कटा जाएगा। समस्या फ्रेंड्स इसका है, इसको हमें बीच से पूरा काट के निकालना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारा वो जो ड्रिल मशीन है, याद करो हमने जो बनाया था, उसको लाना पड़ेगा और इसके अंदर पहले होल करेंगे और इसी ड्रिल मशीन से हमने जो गोल निशान बनाया था पेंसिल से उसके ऊपर भाई खींचते जाएंगे। तो ये एकदम भाई एकदम गोल शेप में कट के हमारा बाहर निकल जाएगा। ये देखो भाई क्या मस्त गोल हुआ है एकदम भाई, मैंने थोड़ा सेंड ऑन पेपर से घिस उसके पूरा बराबर कर दिया है और एकदम परफेक्टली गोल दिख रहा है। तो अभी फ्रेंड्स हमें इन दोनों का कोई ज़रूरत नहीं है, हमें इन दोनों का ज़रूरत थोड़ी देर के बाद पड़ेगा, तो अभी हम लोग इन्हें साइड में रख देते हैं। तो हमें ज़रूरत है फिलहाल साइकिल के ट्यूब की, क्योंकि भाई इसके बिना हमारा जो पंप है वो एकदम अधूरा है। तो इसीलिए भाई ये जुगाड़ उगाड़ करके ले लीजिएगा और भाई साइकिल उकिल के रिपेयरिंग की जहाँ दुकान होती है वहाँ पर जाओगे तो मिल जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई साइकिल का ही ट्यूब लो, आप लोग बाइक का भी ले सकते हो, ट्रक का भी ले सकते हो यार, और बुलडोजर का भी ले सकते हो अगर उसके अंदर से ट्यूब निकल जाए तो। और उस ट्यूब को हम लोग बीच में से काट देंगे, क्योंकि भाई हमें पूरे का ज़रूरत ही नहीं है और पूरा लेके हम करेंगे भी क्या, जितना लेंगे भाई उतनी को हम लोग बीच में से इस तरीके से काट काट के पूरा फैला लेंगे। और ये जब एक बार फैल जाएगा तो उसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा पाइप है जो 2 इंच वाला है मोटा वाला, उसको हम लोग इसके ऊपर रखेंगे और इसका नाप का भाई हम लोग गोल गोल कई सारा निशान लगा देंगे। और फ्रेंड्स हमें निशान 1-2 ठे नहीं लगाना है, हमें कम से कम 5-6-7 लगाना है भाई। जितना ज़्यादा आप लोग लगाओगे उतना ज़्यादा आप लोगों का पंप अच्छा बनेगा, उतना ही भाई हवा कस के फेंकेगा। तो अभी फ्रेंड्स ये हमने गोल गोल निशान बना लिए हैं, तो अब इन सबको एकदम आराम आराम से हम लोग काट के बाहर निकाल लेते हैं। तो ये लीजिए फ्रेंड्स हमने इन सभी ट्यूबों को काट के बाहर निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे, इन सभी ट्यूबों को एक के ऊपर एक रख कर चिपका देंगे और चिपका कर एक मोटा सा लेयर बना देंगे। तो चिपकाने के लिए हम लोग यूज में लेने वाले हैं सुपर ग्लू। नहीं भाई हर जगह सुपर ग्लू यूज में नहीं लिया जाता है, तो इसको चिपकाने के लिए हम लोग भाई एक रबड़ पे चिपकने वाला सुलेशन आता है जिसका नाम है हेक्सन, और ये मार्केट में भाई 25-25 रुपये का मिल जाता है, हर जगह मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, चाहे साइकिल वाले के हैं भाई मांगोगे कि ट्यूब चिपकाना है तो वो मिल जाएगा, थोड़ा सा मांग लेना मिल जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसे हथौड़ी से भी पीट पीट के भाई एकदम चिपका देंगे और आपके शरीर में जितना भी दम हो जान हो भाई सब लगा देना, नहीं तो ये चिपकेगा नहीं। और सब कुछ करने के बाद अंत में हम लोग इसे 2 घंटे के लिए किसी भारी चीज़ के नीचे दबा के छोड़ देंगे ताकि एकदम मस्त तरीके से सूख जाए। तो अभी भाई क्या विचार है, चाय पीने का? नहीं भाई चाय नहीं पियेंगे अभी, जब तक फ्रेंड्स वो हमारा सूख रहा है तब तक हम सोच रहे हैं कि इसका जो ऊपर वाला हैंडल है वो बना लेते हैं। तो उसके लिए भी फ्रेंड्स हम लोग जो 1 इंच वाला पाइप आता है पीवीसी का उसी का यूज करेंगे और उसको करीब हम लोग 7 इंच ले लेंगे। तो आप लोग देख सकते हो पहले तो मैं स्केल से नाप उप लेता हूँ 7 इंच का और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग इसे भी काट के निकाल लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम लोग हेक्सा ब्लेड की मदद से काट के निकाल लेते हैं। और फ्रेंड्स यार मैं आप सबको एक बात बता देता हूँ, आप सब मुझे इंस्टाग्राम पर नहीं फॉलो कर रहे हो यार जल्दी से करो, और फेसबुक पे हमने पेज बनाया है हाल फिलहाल में, तो यार वहां पे भी जाके फेसबुक पेज को लाइक वाइक कर दो। तो हमने इस पीवीसी पाइप को काट लिया है लेकिन अभी चिपकाएंगे नहीं, चिपकाने से पहले हमें इस पे एक और काम करना है ताकि इसे हम लोग और अच्छे से चिपका सके। तो फ्रेंड्स हम लोग एक सेंड पेपर लेंगे और इसके ऊपर अच्छे से लपेट देंगे जैसा कि आप सब वीडियो में देख रहे हो, और उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग अपना ये जो बड़ा वाला हैंडल है पाइप है वो 1 इंच वाला उसके ऊपर भाई इस तरीके से घिसते जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक हमारा निशान बन जाएगा आप लोग देख सकते हो, और उसके ऊपर हमारा ये जो छोटा वाला पीस है पीवीसी का एकदम अच्छे से भाई फिट हो जाएगा और भाई बहुत ही मजबूती के साथ फिट हो जाएगा। और उसके बाद तो भाई फिट उठ हो जा रहा है, उसके बाद हम लोग इसका भी इनलेट आउटलेट बना लेते हैं भाई, फ्री का जुगाड़, नो खर्चा नो बवाल। तो सेम तरीका अपनाएंगे हम लोग, एक बड़ा सा पीवीसी का पाइप का टुकड़ा लेंगे और उसके ऊपर रख के यार 2-2 गोल गोल प्यारे प्यारे चांद के टुकड़े काट के निकाल लेंगे। और अब इन दोनों को भाई हम लोग चिपका देंगे और चिपका लेने के बाद हमारा कुछ इस तरीके का ये जो पीवीसी का पाइप है वो दिखता है। इसके बाद हम बड़े वाले पाइप में ये छोटे वाले पाइप को भाई चिपका के एक भाई हैंडल बना लेंगे ताकि इसको भाई हम लोग हवा भर सके अच्छे से पकड़ के। तो आप लोग देख सकते हो यार ये एकदम मस्त तरीके से हैंडल बन के तैयार हो चुका है और साथ ही साथ ये भी भाई सूख चुका है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया भाई, 2 घंटा हो चुका है, 2 घंटे में एकदम सूख के लबालब हो गया है। तो अभी फ्रेंड्स ये जो है थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि आप लोग जानते ही यार हमने बाहर से गोला खींचा है तो बड़ा ही होगा, तो इसको फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा घिस के एकदम बराबर कर लेंगे। और घिस लेने के बाद अब हमें फ्रेंड्स इसमें और इसमें दोनों में हमें बीच में होल करना पड़ेगा।
तो चलिए फ्रेंड्स होल करते हैं, और होल करने के लिए आराम से ड्रिल मशीन का यूज करेंगे, मस्त तरीके से होल कर देंगे और पूरे एकदम सेंटर में करेंगे भाई, इधर उधर नहीं। और जब तक तो मैं ऐसे बोलूंगा यार होल भी हो भी जाएगा। तो ये लीजिए छेद हो चुका है और इन दोनों में भाई छेद हो गया है। और इसके बाद फ्रेंड्स हमें एक और चीज चाहिए, उसे कहते हैं जुगाड़, क्योंकि यार पूरा का पूरा वीडियो जुगाड़ पे बना रहे हैं यार, तो जुगाड़ ही यूज करेंगे। तो ये फ्रेंड्स एक खराब डीओबी है, बेसिकली हम इसका यूज नीचे की ओर करेंगे सपोर्ट के लिए। और अगर आपके पास खराब डीओबी नहीं है तो भाई घबराने की कोई बात नहीं है, गोल पीवीसी पाइप का एक पीस काटिएगा और उसमें बीच में होल करिएगा और नीचे की ओर लगा दीजिएगा, जिस तरीके से अभी मैं ऊपर की ओर इसको लगा रहा हूँ। बेसिकली फ्रेंड्स हम रिबिट लगाना चाहते थे और मैं सोचा कि लोहे का लगा देता हूँ, मेटल का लगा देता हूँ, ताकि नीचे ज़्यादा सपोर्ट हो जाए। तो थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा के लिए मैंने वो लगाया है, बाकी कुछ नहीं है, पीवीसी पाइप भी लगा सकते हो। उसके बाद तो फ्रेंड्स इसको हम लोग नट बोल्टू से इतना अच्छे से टाइट कर देंगे कि ये हिले ना। तो ये देखिए भाई क्या शानदार लुक आ रहा है, एकदम लट्टू की तरह एकदम मस्त यार, गोल गोल भी घूम रहा है। तो आप लोग बना सकते हो घर पे और लट्टू नचा सकते हो मन करे तो टाइम पास। लेकिन अभी हम लोग इसको इस पाइप के जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां पर एकदम चिपका देंगे। लेकिन फ्रेंड्स चिपकाने से पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि वो जो भाई मेज के ऊपर एकलौता पीवीसी पाइप का छल्ला पड़ा हुआ है, पहले हमें उसको इसके अंदर डालना था यार, पहले हमने चिपका दिया। तो सबसे पहले अभी इसे निकालते हैं और इस छल्ले को पहले अंदर की ओर डालते हैं और उसके बाद इस लट्टू को इसके ऊपर चिपका लेते हैं। और फ्रेंड्स चिपकाने के लिए हम लोग सुपर ग्लू का ही यूज करेंगे ताकि एकदम अच्छे से चिपक जाए। और इसीलिए फ्रेंड्स मैंने ऊपर की ओर पीवीसी पाइप का टुकड़ा लगाया था और नीचे के साइड में हमने मेटल का टुकड़ा लगाया था ताकि मस्त तरीके से ऊपर से हमारा चिपक जाए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग कोई सा भी तेल ले लेंगे और इस तेल को अपने इस पंप के अंदर डाल देंगे। और भाई तेल डालना जरूरी है, अगर नहीं डालोगे तो भाई हवा भरते भरते आपकी हवा निकल जाएगी, इसीलिए तेल डालना जरूरी है। और मैं आप सबको बता दूं कि जो साइकिल के अंदर जो तेल डाला जाता है मैं उसी का यूज कर रहा हूं। आप लोग मोबिल वोबिल भी लगा सकते हो, ग्रीस व्रीस भी लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो यार। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो हमारा ऊपर वाला पीवीसी पाइप का छल्ला है जो बचा हुआ है इसको भी हम लोग चिपका लेते हैं। और इसको चिपका लेने के बाद हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं नहीं भाई सारा काम नहीं, अभी एक और छोटा सा काम करना है। तो अभी आप सब देख सकते हो एक मैंने पीवीसी पाइप का टुकड़ा ले लिया है और उसका शेप कुछ इस तरीके का है, ना ही भाई लंबा है ना ही गोल है, बस कुछ अलग सा बन गया, बना दिए। तो इसको फ्रेंड्स हम नीचे की ओर एकदम चिपका देंगे ताकि भाई हम लोग पैर से इसको दबा सके और मस्त हवा भर सके। आप लोग इसके जगह पे लोहा हुआ का टुकड़ा भी लगा सकते हो, फंसा उसा सकते हो कहीं से, बस यार छेद मत कर देना नहीं तो हवा सब बाहर निकल जाएगा। तो अब फ्रेंड्स हमारा सारा का सारा काम कंप्लीट हो चुका है, हमारा ये पंप रेडी है। तो चलिए टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करने के लिए हम आ गए। ओ भाई कौन है बे, हमारे फ्रेम में घुस रहे हो? अरे ये तो मैं ही हूँ। तो अभी फ्रेंड्स मान लीजिए आपके घर में किसी का बर्थडे है और आपको भाई बैलून फुलाना है, एक दो नहीं भाई बहुत सारा, और इस लड़के से देखो भाई एक बैलून नहीं फूल रहा है, उतने में ही थक गया। तो भाई इसके तो फेफड़े में लग रहा है जान नहीं है, लेकिन इसके पास जुगाड़ है भाई। और ये जो जुगाड़ है भाई आप सब बना ही लो, बहुत काम आएगा, वैसे पैसे में खरीद सकते हो, मन करे तो खरीद लो। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक बैलून में हवा भर के आपको दिखा देते हैं। तो उसके लिए हमें एक और चीज की जरूरत पड़ेगी, तो वो है भाई पेन का खाली खोखा। इसके बिना हम हवा नहीं भर सकते हैं बैलून के अंदर, क्योंकि भाई बैलून में तो हवा भरने के लिए कुछ तो चाहिए पाइप जैसा। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग अपने इस पंप में लगा देते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स जो ये हमारा पेन का जो अगला वाला हिस्सा है उसमें इस बैलून को लगाते हैं और उसके बाद हम लोग इसमें हवा भरते जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स हम हवा भरेंगे फिर से बैलून में जो पाइप लगाए हैं उसको हम लोग दबा देंगे ताकि हवा भाई पीछे ना चला जाए, नहीं तो बार बार हवा पीछे चला जाएगा। तो अभी आप सब देख सकते हो हमने इस बैलून को फुला दिया है और इस पंप से भाई बैलून को फुलाने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था यार। और इसी जोश जोश में हमने सोचा कि एक दो और बैलून को फुलाया जाए, तो हमने भाई एकदम अच्छा से एक कलर चूज किया और इसको भी लगा दिया और इसमें भी मस्त हम हवा भरते गए भरते गए भरते गए और हमने उसमें इतना ज्यादा हवा भर दिया कि हमारा बैलून भाई बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो फट गया, आप सब देख सकते हो। और ये लड़का ऐसे डरता है लगता है जैसे कि इसके आगे कोई शेर आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स अभी हम लोग साइकिल में हवा भर के देखते हैं कि भाई साइकिल में हवा भर पाता है कि नहीं भर पाता है। तो अभी आप सब देख सकते हो ये जो साइकिल का हमारा अगला वाला चक्का है उसके अंदर एकदम हवा हमने निकाल दिया है और ये जो हमारा पंप है वो आ चुका है मैदान में। तो चलिए इस पंप को हम लोग अपनी साइकिल के वाल में लगा देते हैं और उसके बाद धीरे धीरे एकदम हवा भर देंगे। तो अभी फ्रेंड्स मैं आप सबको बता दूं साइकिल में हवा भरते भरते हमारी हवा निकल गई थी भाई, ठंडी में पूरा गर्मी का एहसास हो गया था, वो भी बिना हीटर के। भाई पूछो मत, हालत खराब हो गई थी भाई हवा भरते भरते। तो अगर आप लोगों ने कभी पंप वंप से हवा भरा है तो आप सबको भाई मालूम ही होगा कितना ज्यादा मेहनत लगता है। तो अब दोस्तों मैंने इसमें काफी ज्यादा हवा भर दिया है और अब मेरे अंदर दम भी नहीं बचा है कि इसमें और हवा भर सकूं। तो आप सब देख सकते हो ये जो हमारा साइकिल का ट्यूब है वो नीचे की ओर नहीं दब रहा है, मतलब इसके अंदर पूरे अच्छे तरीके से हवा भरा चुका है और इसके साथ ही ये जो हमारा पंप है वो काफी अच्छे से काम कर रहा है।
तो फ्रेंड्स कैसा लगा आप सबको ये हमारा पंप? काफी मजेदार था यार, हमने हवा भी भर के दिखाया है, साइकिल के अंदर हवा भर के दिखाया है, फिर बैलून में भी हवा भर के दिखाया है और मस्त तरीके से ये हवा भर देता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लो। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।